तो भाइयों वक्त तो बदल जाता है लेकिन इतिहास नहीं बदलता। तो भाइयों जो अभी आप स्कूल की फ़ोटो देख रहे हो, ये चौपासनी स्कूल है जो कि सर प्रताप, महाराजा सर प्रताप जो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने ये स्कूल 100 साल पहले क्षत्रिय क्षत्रानियों के लिए बनाया था। आज 100 साल बाद बहुत सारी चेंजेस आ गई, लेकिन आज भी ये परंपरा है कि सोमवार के दिन इस स्कूल में सभी बच्चों द्वारा राजपूती साफा पहना जाता है। तो भाइयों राजपूती साफा पहना जो हमारी परंपरा थी, ये आज भी हर सोमवार को इस स्कूल में पहना जाता है। इस स्कूल से पढ़ाई करके ही बहुत सारे क्षत्रिय, बहुत सारे सिंह बड़ी बड़ी पोस्टों में, बड़ी बड़े NRI वगैरह बने हैं। आज इस स्कूल में दूसरे समाज के लोग भी पढ़ने लगे, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं हमें वो बुलानी नहीं चाहिए। तो भाइयों क्षत्रियों के बहुत सारे छात्रावास, जो राजपूत छात्रावास है, लगभग हर राजस्थान के जगह जगह बने हुए हैं, और जहाँ नहीं बने हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनवाए जाएं। तो भाइयों इसके अलावा राजस्थान के अलावा गुजरात में भी बहुत सारे क्षत्रियों के लिए और क्षत्रानियों के लिए छात्रावास बने हुए हैं। तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि उन छात्रावासों में हाईटेक सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके, और उसके अलावा हमें अपने कल्चर को भी नहीं भुलाना चाहिए। तो इस स्कूल से शिक्षा लेते हुए उन राजपूत छात्रावासों में हर क्षत्रिय के लिए ये ज़रूरी बनाया जाए कि हर क्षत्रिय को राजपूती साफा जरूर पहनना है, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं। जब भी आप छात्रावास में पढ़ने जाओ तो ये परंपराएँ ना भूलें। तो भाइयों इससे हमारी एकता आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत छात्रावास जो राजस्थान, गुजरात या कुछ मध्य प्रदेश में भी बने, और भी राज्यों में इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग हर चीज़ में आगे आए, उसको देखते हुए हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में आगे आएँ। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।